हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक नई अपडेट और कमाल के नए फीचर बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही शानदार है। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, मैंने आपको थंबनेल में लगा के बताया, बहुत ही शानदार फीचर ऐड ऑन किया गया है रिमाइंडर ऐप में। जब भी आप कोई रिमाइंडर लगाएंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से आप उसके अंदर जो रिमाइंडर का नोटिफिकेशन आएगा उसको मॉडिफाई कर पाएंगे। क्या ये नया अपडेट है, कहाँ मिलेगा, कैसे चेंज करेंगे, सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। चलते दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ रिमाइंडर ऐप के कमाल के नए फीचर के बारे में। तो उसके लिए जाना चले आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर पर जाने के बाद आप देखेंगे आपको ये नया अपडेट मिल रहा होगा रिमाइंडर ऐप का। आप यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा। यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे इस अपडेट को रोल आउट किया गया 1 फरवरी 2024 को और इसका साइज है 30.50 MB का। देन वर्जन नंबर इज 12.5.01.26। और अब यहाँ पर आप देखेंगे इस ऐप में एक दो नए चेंजेस किए गए, चेंज बैकग्राउंड इमेजेस फॉर फुल स्क्रीन अलर्ट पेन कैटराइज एंड सेट कैटराइज आइकन। तो कमाल का जो सबसे पहला फीचर है चेंज बैकग्राउंड इमेज फॉर फुल स्क्रीन अलर्ट, तो उसको कर लेते हैं अपडेट। अपडेट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको लगाते हैं। अगर आप कोई अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगाते हैं तो ये फीचर बहुत ही काम का, डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। आप अपने हिसाब से अपना बैकग्राउंड इमेज को सेट कर पाएंगे और वही आपको रिमाइंडर में वहाँ पर मिलने वाला है। तो इसको कैसे कस्टमाइज़ करेंगे, क्या क्या वॉलपेपर या क्या क्या बैकग्राउंड उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, सब मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। और ऐसी नई पुरानी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुरानी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो अब इसको कर लेते हैं अपडेट करने के बाद ओपन। जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले ये आपसे पूछने वाला है रिमाइंडर, गेट रिमाइंडर एनीथिंग, ऐड रिमाइंडर एनीवेयर, शेयर रिमाइंडर विथ एनीवन। तो ऐसा करके आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो उसको लेआउट है पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। पहले कुछ अलग तरीके से इसकी फ्रेम आती थी, अब पूरी फ्रेमिंग भी चेंज कर दी गई है, पूरी तरीके से उसको चेंज आउट कर दिया गया है। ये जो उन्होंने मेंशन भी नहीं किया था बट उन्होंने यहाँ पर इसको चेंज आउट कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको सब यहाँ पर दिख रहा है, कैटेगरीज वाइज देखेंगे ऑल कैटेगरीज, जो भी कैटेगरीज जो भी कैटेगरी चाहिए आपको यहाँ पर अपना पिन कर सकते हैं ताकि वो आपको सबसे टॉप पे दिखे। यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे यहाँ पर जाने के बाद आप पिन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट टू टॉप, इसको यहाँ पर कर देंगे और वो आपको टॉप पे दिखेगा पिन करके। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आप देख पाएंगे। अब सबसे पहला जो मैंने बताया जो कमाल का चेंज उसके बारे में बताऊँ रिमाइंडर का, तो उसके लिए यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको सेटिंग्स पे चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको डिफ़ॉल्ट कैटेगरी का ऑप्शन दिया गया, आप यहाँ पर कैटेगरीज को डिफ़ॉल्ट और जो भी कैटेगरीज आपको चाहिए यहाँ पर पिन कर सकते हैं। मतलब कि लाइक मुझे सनी के ही चाहिए तो मैं यहाँ पर आया कैटेगरीज में से, मैंने यहाँ पर कैटेगरी वन या कैटेगरी रिमाइंडर सेट कर लिया और वो आपको वहाँ पर टॉप में दिखेंगे। आप देख सकते हैं ये सब टॉप में आपको दिखने वाले हैं। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब जो फर्स्ट फीचर है उसके लिए वापस आपको सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अलर्ट बैकग्राउंड, जो कि मस्त दिया गया है, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में ऐसा आपको दिखता है, आप चाहें तो उसमें भी बहुत सारे यहाँ पर बैकग्राउंड दिए गए हैं, जिस हिसाब से आपको बैकग्राउंड चाहिए आप यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं। ब्लैक कलर में चाहिए तो ब्लैक कलर में दिखेगा और अपना कुछ फ़ोटोज़ भी लगाना चाहें तो यहाँ गैलरी में क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो को भी यहाँ पर ऐड ऑन कर पाएंगे। और जैसे ही आप इसको टिक कर देंगे तो ये आपकी परमानेंट सेट हो जाएगी और जब भी कोई आपके पास रिमाइंडर आएगा और वो आपको बताएगा डे ऑफ रिमाइंडर 9 AM। अब मैं एक आपको रिमाइंडर लगा के दिखाता हूँ और कैसे इसके स्क्रीन आपको दिखती है। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ पर प्लस पे क्लिक करा और यहाँ पर रिमाइंडर का टाइटल डाला, टेस्टिंग टाइम डाला मैंने रिमाइंडर का, अभी कितने बज रहे हैं 7:36, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 7:40 का ही डलेगा क्योंकि राउंड फिगर में मतलब 5 मिनट्स की गैप में डलता है, ये डाल दिया। और इसको मैंने कर दिया डो नॉट रिपोर्ट, मीडियम कर दिया और माय रिमाइंडर, ये सब कैटेगरीज में डालना है तो कौन सी कैटेगरी में डालना है आपने सेट आउट कर लेना है और इसको सेव कर देना है। अब जैसे ही ये सेव हो गया है, अब ये 40 पे बजेगा, आप देख रहे हैं 37 हुआ है और 40 पे जैसे ही बजेगा मैं आपको बताऊंगा कि कैसा ये आपको दिखता है। और जो पिन वाला ऑप्शन है आपको दिख ही रहा होगा। इसके अलावा आप यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, किसी को शेयर करना हो तो आप यहाँ पर इसको शेयर भी कर सकते हैं। आपको 3 टाइप मिलते हैं, पहले तो अलर्ट टाइप में आपको 3 मिलते हैं, लाइट, मीडियम और ये स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में जाएंगे तो आपको साउंड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो पूरी स्क्रीन में आपको दिखेगा। वो मैंने स्ट्रॉन्ग वाला सेट आउट कर दिया है, ऑल टाइम पे आ गए, यहाँ पर सब कुछ सेट आउट कर दिया है। अब जब वो बजेगा तो पूरा आपको अलग से दिखाई देगा और ये इस तरीके से आपको अब स्क्रीन यहाँ पर दिख रही होगी।
और जो पुरानी स्क्रीन दिखती थी ऑल में जाएंगे ऐसी स्क्रीन आपको यहाँ पर दिखती थी। तो फाइनली आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आपको रिमाइंडर करके बता रहा होगा और इस तरीके से आपको रिमाइंडर दिखने वाला है। जैसे ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो राइट हो जाएगा और बीच में आपको स्नोस का ऑप्शन मिल रहा है तो आप स्नोस को यहाँ पर कम ज़्यादा भी यहाँ पर आप कर सकते हैं और आपको क्रॉप करना हो तो यहीं से यहाँ जाके कैंसिल कर देंगे। तो यही नया अपडेट था रिमाइंडर ऐप में जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो वो डिसलाइक कर सकते हैं या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिस बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।